क्रिकेट गुरु, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट न्यूज चैनल। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ईशांत शर्मा की पारी से टीम इंडिया भारी असमंजस में आ चुकी है और वेस्टइंडीज को थोड़ा ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। एक तरफ जहां टीम इंडिया का स्कोर पहले इनिंग्स में 46/2 पर आ चुका था, उस मोड़ से चलते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इस टीम ने 168 के स्कोर पर अपनी पारी की घोषणा की है, जिसके चलते वेस्टइंडीज को 478 रन का लक्ष्य मिला है। अब टेस्ट क्रिकेट की माने तो दो दिन में इतने रन आराम से बन जाते हैं और अगर इंग्लैंड 67 में ऑल आउट होकर 362 का लक्ष्य चेस कर सकती है तो वेस्टइंडीज 117 में ऑल आउट होने के बाद 478 क्यों नहीं। अगर वेस्टइंडीज अपने असली रंग रूप में आ जाए और जसप्रीत बुमराह के खौफ को एक वहम मानकर भुला दे तो वो इस लक्ष्य को आराम से हासिल कर सकती है। भारत अगर चौथे दिन तक बैटिंग करता तो खुद को एक ज्यादा सुरक्षित पोजीशन में पाता। इसके बाद वेस्टइंडीज भले मैच को जीतती या ना जीतती मगर टीम इंडिया ये मैच हारती नहीं। ये कहते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया ने खेल भावना को कायम रखते हुए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास पूरा मौका इस मैच को जीतने का, और ऐसा इसलिए क्योंकि टीम इंडिया उन्हें पूरा मौका दे रही है। वेस्टइंडीज बैटिंग लाइनअप में डेरेन ब्रावो, रॉस्टन चेस और जेसन होल्डर कुछ बड़ी पारियों को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें से जेसन होल्डर के खाते में एक डबल सेंचुरी भी है। इसके साथ साथ अगर बैटिंग लाइनअप अपने एक एक रन का बहुमूल्य योगदान दे तो वेस्टइंडीज एक बेहद ऐतिहासिक जीत पा सकता है। इंग्लैंड की इनिंग्स की तरह वेस्टइंडीज ने भी पहले दो विकेट सस्ते में गंवा दिए, मगर उसके बाद वो थोड़े अटैकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं और जसप्रीत बुमराह के 5 ओवर्स के स्पेल में निकाले गए 16 रन दरअसल 3 ओवर्स में बनाए गए हैं। टीम इंडिया की बात करें तो वो इस सीरीज़ को 2-0 से जीत रहा है, जिसमें से लोकेश राहुल, ऋषभ पंत और चितेश्वर पुजारा ने एक भी अर्धशतक नहीं जोड़ा है, जिसके मुकाबले ईशांत शर्मा ने एक 57 रन की पारी खेल ली है। मयंक अग्रवाल ने भी कुल मिलाकर 4 इनिंग्स में 55 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है। ये अच्छे संकेत नहीं है भारतीय टीम के लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टेज में ऐसे प्रदर्शन काम नहीं करेंगे। जसप्रीत बुमराह बेहद घातक फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, मगर उनके अच्छे फॉर्म से बाकी बॉलर्स थोड़े बेचैन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विकेट्स लेने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है और उनके इंडिविजुअल टेस्ट रिकॉर्ड्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। 2 साल तक चलने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जसप्रीत बुमराह सर्वश्रेष्ठ विकेट टेकर बनने की काबिलियत रखते हैं। आपको क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ विकेट टेकिंग बॉलर कौन बन सकता है और सर्वश्रेष्ठ रन किसके नाम बन सकते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में?